हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 फिजिक्स के 5 मार्क्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव नहीं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का महामैराथन क्लास ला रहे हो। यानी कि दोस्तों अगर 5 मार्क्स का दोस्तों आप लोग क्लियर करना चाहते हो तो ये दोस्तों जो आप लोग को दिख रहा है हेडलाइन, रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा बीटा तथा गामा किनों के गुणों को लिखिए। अगर ये एग्जाम में अगर दोस्तों 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना, अगर पूछेगा कि अल्फा किनों, बीटा किनों तथा गामा किनों में अंतर लिखे, तो यही आप लोगों को लिखना है जितना आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, यहाँ पर से आप लोग का 5 मार्क्स क्लियर होने जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोलता, आप लोगों को विश्वास नहीं होते हैं तो इस बार का दोस्तों क्वेश्चन उठा दीजिए। वहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों जो होता है लाहौल चुंबकीय, अनुचुंबकीय, पार्श्व चुंबकीय में अंतर को पूछा गया है। अंतर पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर जाहिर सी बात अल्फा बीटा और गामा किनों में अंतर या तो गुण एग्जाम 2022 से पक्का देखने को मिल सकते हैं। आप लोग को यकीन नहीं होता दोस्तों तो प्लीज़ यार आप लोग पहले तो पढ़ लीजिए, फिर आप लोग को लगेगा हार तो मत याद कीजिए। मैं इतनी आसान भी मैं बताऊँगा कि बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे, आप लोग एग्जाम एकदम 5 मार्क्स का सही क्लियर कर लेंगे। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहले वाले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलिए दोस्तों वीडियो को देखिए, और वीडियो में ज्यादा खास है दोस्तों क्योंकि अल्फा किनो बीटा किनो को अंत को बताया गया है। चलिए अल्फा किनो का गुण देखिए। अल्फा किनो जो होता है दोस्तों, अल्फा किन धनावेश होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों अल्फा किन धनावेश होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद हो क्योंकि मैं इतना ईजी वे में बताया कि बिल्कुल आपको याद हो गया। अल्फा किनों का जो द्रव्यमान होता है हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा किनों का दोस्तों जो मास होता है हीलियम के मास के बराबर होता है। चलिए ये दो टॉपिक आपको क्लियर हुआ कहें दोस्तों अल्फा किनों का गुण है। चलिए अल्फा किनों का और भी गुण है, आप लोग को सारा गुण को याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अल्फा किनों का दोस्तों जो वेग होता है प्रकाश के वेग से 1/10 भाग होता है। यानी कि अल्फा किनों का दोस्तों जो वेग होता है प्रकाश का जो वेग होता है ना उसका 1/10 भाग होता है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है। चलिए अल्फा किन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। देखिए दोस्तों अल्फा की दोस्तों जो बीटा किन सॉरी अल्फा किन जो होता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है विक्षेपित हो जाता है। यानी कि अल्फा किन और विद्युत क्षेत्र दोस्तों जो होता है अल्फा किन और दोस्तों विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, आशा कि ये टॉपिक भी आप लोग क्लियर कर नहीं होंगे। चलिए अल्फा किरणों का भेदन क्षमता कम होता है। देखिए जाहिर सी बात है अल्फा किरणों का जो भेदन क्षमता है वो कम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना अल्फा किरणों का जो भेदन क्षमता जो होता है अल्फा किरणों का वो कम होता है, ठीक है। तो इतना इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल याद कर सकते हो, 5 नंबर बटोर सकते हो। तो जाहिर सी बात है आप लोग को ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। चलिए अल्फा किरणों का जो आयनीकरण जो क्षमता होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। अल्फा किरणों का जो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, सबसे कम जो होता है वो गामा किरणों का होता है। चलिए अब गामा किरणों को छोड़िए, अल्फा किरणों को समझिए। अल्फा किरणों का आयनीकरण क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है, क्या होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है। अगर ये सारा दोस्तों अल्फा किरण को याद कर ले, बीटा किरण आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाए। क्यों? तो देखिए अल्फा किरण दोस्तों क्या होता था, धनावेशित होता था, लेकिन बीटा किरण ऋणावेशित होती है। बीटा किरण क्या होता है दोस्तों, ऋणावेशित होती है। तो आप लोग आशा की ये भी क्लियर आप लोग कर लेंगे। बीटा किरणों का गुना स्टार्ट हो चुका है। बीटा किरण जो होते हैं दोस्तों ऋणावेशित होती है। इसमें दोस्तों जो अल्फा किरण में क्या था दोस्तों, अल्फा किरण में दोस्तों था कि जो अल्फा किरण का द्रव्यमान था हीलियम के द्रव्यमान के बराबर था। यहाँ पर दोस्तों जो बीटा किरण का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। किसके दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। कहाँ पर दोस्तों, तो बीटा किरणों का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जाहिर सी बात आप लोग को बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा होगा, एकदम इतनी इजी में बताओ दोस्तों तो आशा है बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज यार वीडियो को भी लाइक कर देना, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बीटा किरणों का जो वेग होता है दोस्तों प्रकाश के वेग से 1/9/10 भाग होता है। वहाँ पर दोस्तों 1/10 भाग था, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों 9/10 भाग है। बीटा किरणों का जो वेग होता है, ठीक है ना, प्रकाश के वेग से 9/10 भाग होता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी क्लियर कर देंगे दोस्तों, जाहिर सी बात एकदम बेहतरीन, एकदम इतनी आसान लैंग्वेज है कि आप लोग एकदम खुश हो रहे कि मेरा 5 नंबर का आज क्लियर होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों आज का क्लास 8 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री का भी होगा तो उससे भी आप लोग ध्यान ज्वाइन कर लेना। 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो क्लास चल रहा था। चलिए बीटा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। बीटा किरण जो होता है दोस्तों कहाँ विक्षेपित होता है, बीटा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। कहाँ दोस्तों,
बिट्टा किरण जो होता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है और अल्फा किरण दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ये दोनों जो होता है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला है दोस्तों क्या है। चलिए बिट्टा किरण को गुण दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं तक यहाँ पर दोस्तों ये नंबर देखिए बिट्टा किरणों का भेदन क्षमता अल्फा किरणों का भेदन क्षमता से 100 गुना होता है। देखिए अल्फा बिट्टा किरणों का जो भेदन क्षमता जो होता है दोस्तों अल्फा किरण के भेदन क्षमता से 100 गुना होता है। कितना गुना दोस्तों 100 गुना होता है यानी कि बिट्टा किरणों का जो भेदन क्षमता दोस्तों अल्फा किरण का जो भेदन क्षमता होता है उससे 100 गुना होता है। किससे तो दोस्तों अल्फा किरणों से यानी कि बिट्टा किरणों सॉरी बिट्टा किरणों का जो अल्फा किरणों की सापेक्ष में दोस्तों क्षमता कितना तो 100 गुना होता है। ठीक है ना तो आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों इतना इसी इजी में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो बिट्टा किरणों का आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों का आयनीकरण क्षमता से 1/100 भाग होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 100 भाग आ गया। देखिए आप लोग एक बार नोट कर लोगे ना एकदम जाहिर सी बात आप लोग एकदम याद हो जाएंगे दोस्तों आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि आप लोग का 5 मार्क्स का जो होता है वो आप लोग क्लियर कर लोगे। ठीक है ना एकदम खुश हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 5 मार्क्स से क्वेश्चन मुझे लगता है पक्का पूछे जाएंगे। बिट्टा किरणों का आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों के आयनीकरण क्षमता से 1/100 भाग होता है। आप लोग याद रखना तो सोच सके तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे। चले बिट्टा किरणों का गुण देखिए गामा किरणों का गुण आएगा दोस्तों। देखिए गामा किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव हुआ कि नहीं दोस्तों जितना भी पढ़ा समझ सकते हो ऑब्जेक्टिव ही है ऑब्जेक्टिव भी और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी। गामा किरण जो होता है दोस्तों गामा किरण जो होता है जो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग होता है क्या तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। इनका तरंग धार सबसे कम होता है देख सकते हो इनका जो तरंग धार जो होता है दोस्तों वो सबसे कम होता है। ठीक है ना तरंग धार सबसे कम होता है किसका बिट्टा किरणों का गामा किरणों का जो तरंग धार जो होता है वो सबसे कम होता है। चलो दोस्तों आशा है बिल्कुल मेरी बातों को समझ रहे होंगे एकदम सारा क्वेश्चन को याद करें एकदम 5 मार्क्स का आपको क्लियर हो रहेंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों गामा किरणों का देखें नेक्स्ट नंबर गामा किरणों दोस्तों प्रकाश के वेग से गमन के बराबर होते हैं इनके गामा किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं। देखिए कितना इजी लैंग्वेज है दोस्तों आप लोग रोज पढ़िएगा। ठीक है ना जितना भी आप लोग को दे रहा 5 मार्क्स का जो सीरीज स्टार्ट किया दोस्तों वो आप लोग रोज याद कर एवरी डे याद कीजिए एकदम जाहिर सी बात है दोस्तों आप लोग को याद हो जाए एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ यार एकदम 5 नंबर लेना है तो एकदम दे सकते हो एकदम वेरी इजी तरीके से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो गामा किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो गामा किरणों का जो वेग होता है ठीक है ना गामा किरणों का जो किरण होता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है क्योंकि गामा किरणों का जो होता है गामा किरण जो होता है ठीक है ना गामा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था अल्फा किरण जो है बीटा किरण जो है दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है लेकिन गामा किरण वैसा है दोस्तों जो कभी विक्षेपित नहीं होगा कहाँ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्योंकि दोस्तों क्या है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग यही कारण को बोलते हैं दोस्तों विक्षेपित नहीं हो रहा है। चलिए कहता है दोस्तों कि गामा किरणों का आयनीकरण क्षमता सबसे कम होता है। ठीक है ना और गामा किरणों का जो आयनीकरण क्षमता होता है दोस्तों वो सबसे कम होता है। ठीक है ना आयनीकरण सबसे अच्छा देखा मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों शुरुआत में बताया था अल्फा किरणों का आयनीकरण सबसे अधिक होता है लेकिन यहाँ पर सबसे क्षमता जो सबसे कम होता है वो गामा किरणों का होता है। ठीक है अगर अंतर पूछेगा दोस्तों यही तीनों अंतर को लिख देना है। ठीक है ना अगर दोस्तों जाहिर सी बात आपको वीडियो पसंद आया क्योंकि आप लोगों को मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करा हूँ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों। और आज का क्लास जो होगा 8 बजे प्लीज़ यार ज्वाइन कर लेना आप लोगों को दोस्तों 35 ऑब्जेक्टिव कराया हूँ जिसमें दोस्तों आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है ना दोस्तों वहाँ पर जो होता है 35 ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें दोस्तों हम लोगों को 4 सब्जेक्टिव क्लासन का क्लास चल रहा था वहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन करना है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम।